शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने गैंग की इज्जत कॉलेज कैंटीन की चटनी में पिस जाएगी। Hey, you just watch, boys. है यार, तुमको चौरंगी लाल का भाई कहते हुए शर्म आती है। वो महेंद्रनाथ की बेटी वेनू ने इतना मजाक उड़ाया और तुम बुजदिलों की तरह खामोश है। मैं खामोश रहने वालों में से नहीं हूं। अब देखना मैं उसे क्या सबक सिखाता हूं। महेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ आया भैया। वेनू बेटी ने ट्रंकाल करके जो 5,000 रुपए मंगवाए थे वो भेज दे क्या? हां भेज तो दिए, मगर जब भी फोन करते कहते पिताजी 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, पर एक बार फोन करके ये नहीं बताया कि पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अरे भाई कैलाश नाथ की भतीजी है, उसे नौकरी थोड़ी करनी है। अरे बेटा, अरे बेटा। यस डैड। भाई मैंने जो तुम्हें अपनी फैक्ट्री के बाजू वाली जमीन खरीदने को कहा था उसका क्या हुआ? वहाँ वो रिटायर्ड टीचर रामप्रसाद रहता है और वो जमीन बेचने से इनकार करता है। क्या? मैं वहाँ गोदाम बनाना चाहता हूँ और वो इनकार कर रहा है। भैया अगर आप कहें तो मैं दर्शन देकर आऊँ। नहीं नहीं, इतनी मामूली सी बात के लिए तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे बेटा जी डैड, उस जमीन को कैसे खाली करवाना है तरीका मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आप फिर आ गए? हाँ, मैं ये जमीन खरीदने आया हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ ये जमीन मैं नहीं बेचना चाहता। लेकिन मैं ये जमीन खरीद रहा हूँ और ये रही इसकी कीमत। मगर आप उसे खरीद कैसे सकते हैं जबकि उसे बेच ही नहीं रहा हूँ? बेचने वाले की मर्जी से खरीदने को बिजनेस कहते हैं, बिना मर्जी के खरीदने को जबरदस्ती कहते हैं। और आज मैं वही करने यहाँ आया हूँ। इस जगह के पैसे ये रहे और सामान ले जाने वाली लॉरी वो रही। शराफत से जगह खाली कर दो वरना। वरना क्या करोगे? अरे जब मेरे पिताजी जमीन बेचना ही नहीं चाहते तो तुम्हें क्या हक है खाली करवाने का? ये कौन सा कानून है? हमें जो चीज पसंद आती है उस पर हमारा हक हो जाता है। हमारी मर्जी हमारा कानून है और हमारी मर्जी का अदालत का कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी धमकी से डर कर ये जगह छोड़कर चले जाएंगे? कभी नहीं।
समझे? ओहो, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे शरीर को छू लूं तो क्या तब भी तुम इतने ही अकड़ से यहाँ खड़ी रहोगी? इंस्पेक्टर, तुम जानती हो कि तुमने किस पर हाथ उठाया? ये झांसी रानी जब किसी पर हाथ उठाती है तो चोट खाकर गिरने वाला हमेशा मुजरिम होता है। अरे बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे इंस्पेक्टर, अगर मैं 1,00,000 का बंडल और इनकी तरफ फेंकूं तो ये जमीन तो क्या, ये अपने आप को मेरे हाथों बेच दे। मुझे लाठी मारने वाली इंस्पेक्टर, तब तुम्हारी हालत क्या होगी? शट अप! अगर तुम्हारी तिजोरी में ज्यादा नोट भर गए हैं तो इन गरीबों की जमीन छीनने के बजाय कहीं दूसरा मकान खरीद लो। तुम अपनी दौलत से सब कुछ खरीद सकते हो मगर ये खाकी वर्दी नहीं। तुम्हारे दिमाग में जो दौलत का बुखार भर गया है उसकी दवा है मेरे पास। चलो ये है हमारा नया माल, आइए। भैया आपने हरी को तो भेज दिया, वो बच्चा है, ये काम कर पाएगा? ए, तुम यहाँ हमारा काम करने आते हो या बच्चे को दूध पिलाने आते हो? मालिक, आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना नहीं खाते? ये मासूम भी भूख से रो रहा था तो मैं इसे दूध पिला रही हूँ। महेंद्र बाबू, क्या समझते हैं आप अपने आप को? ये मजदूर क्या आपके सरखरीद गुलाम है? बिल्कुल, माइंड योर लैंग्वेज। ये वो लोग हैं जो आपकी दौलत की फसल उगाने के लिए अपने पसीने को बारिश की तरह बहाते हैं। देखो चंद्रशेखर, गलती से लग गया होगा, जाने दो। भैया आप इतना डरते क्यों हैं? करोड़ों रुपए लगाकर हमने फैक्ट्री से थोड़ा बनाई है कि 2% के घटिया मजदूरों के आगे सर झुका के रहे? ये पहली बार नहीं है सन्यासी राजा, बहुत दिनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वाली औरतों और गर्भवती बहनों को नौकरी से निकाल दें, इसलिए हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। शेखर, तुम जैसे यूनियन लीडर के होते हुए हम कोई गलत काम कर सकते हैं? मेरे भाई ने जोश में आकर भूले से कुछ कह दिया तो टेक इट इजी। अब तुम लोग काम पर जाओ जाओ जाओ। अब मालिक, मालिक, छोटे मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस? उनकी ये हिम्मत, किसने गिरफ्तार किया उसे? झांसी रानी, वो नई सर्कल इंस्पेक्टर है ना, उसने। झांसी रानी, महिंदर में फौरन चौरंगी लाल दो मुखिया के पास चलना चाहिए, जल्दी चलो। चलो शंकर शंभु। यस सर। अखबार में मेरा बयान छापने के लिए कोई खास खबर? यस सर। बोलो। काजलपुर गांव में ऊंची जाति वालों ने हरिजनों पर हमला कर दिया, 4 हरिजन भी मारे गए। क्या मंत्री जी ने उस जगह का दौरा किया? अभी तक तो नहीं किया मगर करने वाले हैं। हेलीकॉप्टर से जाएंगे या रेलगाड़ी से जाएंगे? कुछ पता नहीं साहब, लेकिन वहाँ का मामला तो राख में छुपी हुई चिंगारियों के ढेर की तरह है। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो, अगर ये बात हो तो वो छापना और वो हो तो ये छापना, अखबार हमारी तो है ना। यस सर। मान लो कि मंत्री जी हेलीकॉप्टर से गए तो छापना कि एक तरफ देश की धरती पर गरीब जनता के साथ अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ये महाशय गरीब जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल करते हुए आसमान की सैर करते हुए उनको देखने जाते हैं। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री जी ने जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया और वो ट्रेन से चले गए तो ये छापना कि एक तरफ गरीब जनता अपनी जानें बचाते हुए खेतों में भागती फिर रही है और दूसरी तरफ ये माश है जिनके लिए गरीब जनता ने अपनी गाड़ी कमाई से हेलीकॉप्टर खरीद के रखा है, उस पर बैठकर फौरन जाए वारदात पर पहुंचने के बजाय ये शख्स ट्रेन से 8 घंटा लेट पहुंचता है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। मतलब ये कि वो जैसे भी जाए, बुराई करना, नुक्ताचीनी करना, ये हमारा काम है ना सर। जाहिर बात है गधो, वोट देकर ये जनता तो हमें कभी इलेक्शन में जिताएगी नहीं, इसीलिए इस 4 दीवारी में बैठकर अगर हम 2 मुंह वाला बयान न दें तो हमारा लेवल गिर जाएगा और ये जनता हमें भूल जाएगी। चौरंगी लाल जी। अरे वाह, मैं जिस तरह डबल बयान देता हूँ उसी तरह ये दो भाई एक साथ चले आ रहे हैं। आओ नाश्ता करो। अरे नाश्ता छोड़िए, फौरन अपनी तीसरी आंख खोलिए वरना मेरा इकलौता बेटा मुसीबत में फंस जाएगा। खोलते हैं, पूरा वाकया मुझे 3 शब्दों में सुनाइए। चौरंगी लाल जी,
हमारी फैक्ट्री के बगल वाली जमीन की खरीदारी में कुछ झगड़ा हुआ और उस सिलसिले में उस नई इंस्पेक्टर झांसी रानी ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया और लॉरी भी जब्त कर ली सबूत के तौर पर। अच्छा, लगता है ये झांसी रानी अपने नाम की तरह कोई बहादुर औरत है। अरे हम यहाँ उसकी तारीफ सुनने नहीं आए हैं, बल्कि ये अर्ज करने आए हैं कि आप किसी तरह इस मामले में दखल देकर मेरे बेटे को छुड़ा लीजिए, प्लीज। कैलाशनाथ, मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, ये म्यूनिसिपालिटी के लेवल पे कहाँ उतार रहे हो मुझको। आदमी भले गिर जाए मगर उसका लेवल नहीं गिरना चाहिए। एक चौरंगी लाल जी, सिर्फ एक बार, इस बार आपको हमारे लिए अपने लेवल से उतरना ही पड़ेगा, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, पुलिस स्टेशन मत जाइए, इस शहर के जितने भी गलत धंधे करने वाले लोग हैं उन सबके फोटो वहाँ लगे हुए हैं, कहीं आपका भी। शंकर, मुमत कर। मैं अभी सुई धागा मंगाकर अपने होंठ से लेता हूँ। चलिए कैलाशनाथ, आप अपने आदमी, इसलिए मैं अपने लेवल से उतर रहा हूँ और आपके साथ पुलिस स्टेशन चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच चौरंगी लाल जी। वाह, काम कीजिए, 25,000 का चेक जरा मेरे पीए को देना। 25,000 रुपया? किसी को रिश्वत देनी है क्या? थी। कभी भूल कर इस घर में रिश्वत का नाम मत दीजिएगा। ये तो मैं गरीबों की मदद के लिए फंड इकट्ठा करता हूँ, इसका नाम है जनता सेवा फंड। जनता सेवा? समझ गया, मैं कल सुबह आपको चेक करके भिजवा दूंगा, इसमें बुरा क्या हुई। शंकर शंभू, दोबारा ऐसी हरकत की तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं, हमारे लिए नहीं सर, चलिए। नमस्ते, आप ही का इंतजार हो रहा है। आज का दिन इनके लिए बुरा है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते। मेरा नाम चौरंगी लाल दो मुखिया कैलाशनाथ और ये इनके छोटे भाई महेंद्र नाथ। सर, मैंने सही कहा था, लगता है आपके फोटो यहाँ पहुँच गए हैं। फरमाइए, कैसे आना हुआ? हो सकता है हरी को गिरफ्तार करते वक्त आपको ये ना मालूम हो कि वो मेरा बेटा है। हो सकता है लॉरी पकड़ते समय आपको ये ना मालूम हो कि वो हमारी लॉरी है। हो सकता है, अब मालूम हो चुका है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ क्यों आए हैं? कोर्ट में मिलिए। कोर्ट का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश मत कीजिए, घर की तरह मैं कोर्ट रोज आता जाता रहता हूं। मिस्टर चौरंगीलाल तो मुखिया, नो स्मोकिंग हियर। झांसी, झांसी रानी। ओके, रानी सही, मगर अपने लेवल से बढ़ के बात मत करो। शट अप एंड गेट आउट। इंस्पेक्टर साहिबा, इन्हें XMLC समझकर इनसे दुश्मनी मोल ना लो, वरना शहर के तमाम सिनेमा घरों में तुम्हारी बदनामी के स्लाइड दिखा देंगे। गैर कानूनी तौर पर तुमने मेरे भतीजे को गिरफ्तार किया, हमारी लॉरी पर कब्जा किया, ये ऐसा स्टेटमेंट अपने अखबार में छाप कर तुम्हारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे। इतना आसान नहीं है, मैंने सबूत के साथ केस फाइल किया है। लेकिन गवाह तुम्हारी खाकी वर्दी में लगी कांजी की तरह है, जिस तरह बगैर कांजी के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ जाती है, उसी तरह बगैर गवाह के तुम्हारा केस भी ढीला पड़ जाता है। मेरे पास एक नहीं, पांच गवाह है। पांच गवाह है? यस। पांच गवाह है? यस। ये लोग जो तुम्हें फूल मालाएं पहना कर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तुम हाथों को तोहफे में हथकड़ियां पहनाना चाहती हो, तुम्हें तो इसके बदले। चौरंगी लाल जी जोश मत आइए, शांत हो जाइए प्लीज, चलिए हम जमानत दे देते हैं। ओके। चल 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 सर, इस माला का क्या करेंगे? संभाल के रखो, उसकी अर्थी पर चढ़ाने के काम आएगी। मैं, जैसे दुनिया हुक्म का बादशाह कहती है, उसे उस चिड़ी के गुलाम सर्कल इंस्पेक्टर ने घास के तिनके की तरह उठाकर फेंक दिया। पांच गवाहों के सहारे वो मेरे बेटे को सजा दिलवाना चाहती है। नहीं, वो सजा नहीं दिलवा सकती, उन पांच गवाहों को सोई हुई हालत में हमारा आदमी हमेशा के लिए गहरी नींद सुला देगा। रंगा, लॉरी स्टार्ट करो। यस। मैंने फैक्ट्री के पास लॉरी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें पांच आदमी मारे गए। क्या? मैडम, ड्राइवर का कहना है ब्रेक फेल हो गई और लारी मकान में घुस गई। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और ब्रेक इंस्पेक्टर लारी की जांच कर रहा है। लॉरी किसकी थी? मिस्टर कैलाशनाथ की। पांच गवाह हैं? यस। पांच गवाह हैं? यस।
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? ब्रेक फेल होने के कारण। अन्याय का शिकार होने वाले इस गरीब खानदान को देखिए, देखिए इन मासूम बच्चों को। क्या ये इनके कफन ओढ़ने की उम्र थी? ऐसा लगता है जैसे इनकी आत्मा हमसे सवाल कर रही कि बताओ हमारा कसूर क्या है, हमसे हमारी जिंदगियां क्यों छीन ली गई। अब बताइए क्या वाकई इस लॉरी की ब्रेक फेल हुई थी? माफ कीजिए मैडम, मैं नहीं चाहता कल मेरा खानदान भी इसी तरह खून में लथपथ पड़ा रहे। आई एम सॉरी। रेनू लगता है तेरे से किस मांगने वाला विक्रम सिक हो गया है, एक हफ्ते से नजर ही नहीं आया। मर्दों की ज़हनियत ही ऐसी होती है, इनके सामने सर झुकाकर चलो तो पीछे पीछे आते हैं और सर उठाकर चलो तो दुम दबाकर भाग जाते हैं। ओके बाय बाय। दुम दबाकर भागने वाले बुजदिलों में से नहीं है ये विक्रम। उस दिन जो हरकत तुमने मेरे साथ की उसका जवाब दिए बिना तो सो ही नहीं सकता ये विक्रम। उस दिन तुमने मुझे सैंडल से किस दिया था, आज मैं तुम्हें इन होठों से ऐसा किस करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भुला सकोगी। कॉलेज में जिस जगह पर तुमने मुझे सैंडल मारी थी ठीक उसी जगह पर इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर चिपकाऊंगा। होठों को चूमते हैं भौतों को देखा था, ये जूतों को चूमते पहली बार देख रहा हूँ। क्यों खट्टा है? नो नो नो। तूने मुझे लात मारी? लात तो मैंने भौतों को मारी है, आज तुझे लात मारने का एक नया स्टाइल बताता हूँ। नया स्टाइल? हाँ नया स्टाइल। इस जमीन पर पैर रखे बिना मैं तुझे और तेरे साथियों को मारूंगा। जमीन पर? इस जमीन पर पैर रखे बिना? हाँ इस जमीन पर पैर रखे बिना। अगर पैर रख दिया तो ये कैमरा ले जाना, और अगर ना रखूं तो तुझे रेनू की सैंडल से तीन बार अपने ही दोस्तों से मार खानी पड़ेगी। राइट राइट। Thank you.
कैसे कैसे नीचे आ जाऊं? पहले अपने चमचों के हाथों रेनो के सैंडल की शाबाशी खाओ, फिर बोलो नीचे आ। ए चमचे, इधर आ, आजा। सैंडल, सैंडल। अब मारो। नहीं, मैं नहीं मार सकता। अरे मारो। सॉरी गुरु, सॉरी। बस, बस, बस। अब हम नीचे आएंगे। जीवन देने वाले तुझ पे तन मन क्यों
अरे क्या खबर है यहाँ से? अरे अरे क्या हुआ रानी, रो क्यों रही हो? यहाँ से खुशी के हैं या गम के? ये प्यास के आंसू हैं। अच्छा तो ये कम वक्त प्यास, अरे तुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इस कठोर पुलिस वाली की आंखों से आंसू बहा सके? ना मैं काटे हटू जी, बड़े आए काटने वाले। ठीक है जी, नहीं काटते। तुम काटती जाओ, रोती जाओ, मैं ऐसे ही देखता रहूंगा और तुम्हारे आंसुओं की। क्या कर रहे हो जी? माँ जी बाबू जी घर में है ना जी? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, माँ जी बाबू जी तो हमेशा ही घर में रहते हैं जी। ये क्या बहू के कमरे में चोरी कर रहे हो? चोरी? जी जी जी, ऐसा मैं उस दिन बलराम की जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। कभी नहीं आ सकता? तू 10 साल पहले दफ्तर में मेज के नीचे से मुट्ठी गर्म करते हुए पकड़े गए थे, तभी नौकरी से निकाल दिया था, वो भूल गए? ये बुढ़िया बाला में तो सफेदी आ गई है, मगर तेरी ये जुबान दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही। सुहागरात को ही बाएं पैर से मेरा स्वागत किया और लगता है मेरी आखिरी रात तक तू ऐसा ही करती रहेगी। हाँ करती रहूंगी। बाबूजी क्या हुआ बाबूजी? अरे कमबख्त, तूने तो मेरी जान निकाल दी। जब से आप मम्मी के कमरे में चुपके से घुसे हैं ना, मैं तब से आपको ताक रही हूँ दादाजी। क्या ताक रही थी? क्या किया मैंने? बेटा ठीक नहीं है, तेरी ये माँ, अरे तेरी बेटी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे मैं घर में घुसा हुआ कोई साला फॉरेन है। नहीं बाबूजी, क्या है, माँ आपकी पत्नी है ना, इसलिए आपको छेड़ती हैं, और ज्योति आपकी पोती है इसलिए आपको सताती है। बहन जी, बहन जी, साले कन्हैया जी, सब्जी लाए हो जी? हाँ, खुद मार्केट से छाट छाट कर फर्स्ट क्लास सब्जी। क्या ताजा बैंगन है, बहुत दिन हुए बैंगन का भुर्ता नहीं खाया। मुफ्त माल देखा नहीं और चले हथियाने, बहू पास में खड़ी है, हवा लात में बंद कर देगी। सर्कल इंस्पेक्टर के घर कांस्टेबल का तरकारी भाजी खरीद कर ले जाना क्या इस इलाके का रिवाज है? खरीद कर नहीं मैडम, मुफ्त का माल है। हाँ बहन जी, मैंने दुकानदार से कहा सर्कल इंस्पेक्टर के घर के लिए तरकारी चाहिए, बस फिर क्या था, दुकानदार रेस के घोड़ों की तरह धकाक 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 भागने लगे और दौड़ दौड़ के सब्जी भाजी लाने लगे। लाते कैसे नहीं, बाप को भी लाना पड़ता उनके। अच्छा, हमारे डिपार्टमेंट को इतनी सब्जी मुफ्त में मिल जाती है? सिर्फ सब्जी ही नहीं मैडम, अपने लिए पूरा मार्केट फ्री, बनिए की दुकान का सामान, बस कन्हैया तुम सिर्फ सरकार के नौकर हो, मेरे नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। यस मैडम। और सुन, ये सब उठाओ और मार्केट वालों को वापस करके आओ, अपने घर मत ले जाना। मैं मदद करता हूँ तुम्हारे। भूखों की तरह क्या मरे जा रहे हो? चोरी से बाहर नहीं आओगे। चलो अंदर। सावन के नजारे हैं, लल्ला लल्ला, सावन के नजारे हैं। नंबर थ्री, वाइफ नंबर थ्री। मुन्ना, अरे अरे अरे, लात क्यों मारता है रे मेरा बेटा? नहीं मारने का लात माँ को। चबेली, ये क्या, सुबह जब मैं ड्यूटी पर जा रहा था तो मैदान चपटा था, ये अचानक 8 घंटे में मटका कैसे निकल आया? अरे ये मटका झटका छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैं ऐसी हालत में कैसी लगती हूँ? कैसे भरा हुआ फुग्गा, पहले ये बताओ पेट के अंदर क्या भरा हुआ है, बच्चा है या कचरा? ना बच्चा है ना कचरा है, पुराना कपड़ा है। मेरी अकल क्या घास खाने गई थी जो मैंने थर्ड हैंड मरद से शादी की, नतीजा क्या निकला, ना बच्चा ना बच्ची। अरे ना बच्चा चाहिए ना बच्ची, तू नहीं समझती, मेरी पहली बीवी कमली शादी के पहले हफ्ते ही गर्भवती हो गई थी। जैसे ही उसे ये पता चला वो बेहद खुश हुई, इतनी खुश हुई कि उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गई। उसके मरते ही 1 महीने बाद मेरे जीवन में मेरी दूसरी बीवी विमली आई, और जब उसे पता चला कि उसकी हालत भी ऐसी हो गई है तो विमली को मौत इमली की तरह चाट गई। लेकिन विमली दीदी का भी हार्ट फेल हुआ था ना? नहीं, अबॉर्शन हुआ था, मेरे घर को गर्भरास नहीं आता, इसीलिए मैं डरता हूँ चंबेली,
कि कहीं तू भी गर्भवती न हो जाए और मेरी जिंदगी से न खो जाए। अजी चाड़ा जी, औरत का जन्म लेकर बांझ होकर जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। मैं कहती हूँ मुझे फौरन बच्चा चाहिए। I want a baby. मैं चाहती हूँ कि मेरा जूनियर कन्हैया मेरे घर के आंगन में नंगा अपने हाथ पांव पे चलता हुआ नजर आए। अरे तो जूनियर की क्या जरूरत है, तुम्हारे सामने ये सीनियर खड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो नंगे बच्चे की तरह मैं तुम्हारे सामने पहियों पहियों चल के दिखा सकता हूँ। दरवाजा बंद कर लो, खेल के दिखाता हूँ। शर्म नहीं आती? अरे तो फिर तुझे इतनी जल्दी क्यों है? अरे अगर समय साथ दे तो अभी उछल उछल कर अचल मचल कर बोलने वाला बच्चा पैदा हो सकता है, मगर इस वक्त मेरे पेट में भूख पैदा हो गई है। जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। हे भगवान, मेरे तो नसीब ही फूट गए हैं। खाना खाने के सिवा इस आदमी से तो कुछ होता ही नहीं। मेरी तकदीर में तो बेलन चलाना और रोटी पकाना ही लिखा है। काश काश कि मेरी शादी मुंह में लाल से हुई होती तो न जाने अब तक कितने मुरली पैदा हो गए होते। एक एक तबला बजाता होता, दूसरा मृदंग बजाता होता, तीसरा सितार बजाता होता। हाँ हाँ, न जाने क्या क्या बच गया होता। हाँ दीदी। अरे ज्योति, तू तो अच्छी खासी लड़की थी, ये अचानक बंदरिया कैसे बन गई? तुमने मुझे बंदरिया कहा? मम्मी डरो ना। क्यों ज्योति, तूने आते अपने मामा को डराना शुरू कर दिया? अरे ये क्या डरेंगे मम्मी, मैंने तो उनको कई बार डराने की कोशिश की लेकिन मेरे मामा डरते ही नहीं। अरे ज्योति, तूने अपने मामा को क्या अपना दादा समझ लिया? चूहे की तस्वीर भी देखते हैं तो डर के मारे मेरी खटिया के नीचे छुप जाते हैं। अरे बुढ़िया, जब तक तो मेरी टांग ने खींच ले, तेरी जुबान की खुजली मिटती नहीं क्या? नहीं। अरे बाबा, आपके बाल अभी तक सलामत है, गए नहीं? हाँ बेटे, बाल जमे रह गए, नौकरी उखड़ गई, जेब सुखड़ गए। क्या जी साले साहब, आपसे कहा था कि एग्जाम खत्म होते ही आप यहाँ आ जाइए, और आप हैं कि रिजल्ट लेने के बाद आए। क्यों जी, इन्हें पहले घर आते हुए शर्म आती थी क्या? रवि बेटा, तुम पास हो गए? वो फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। फर्स्ट क्लास? वाह वाह वाह, आप तो हम दोनों मिलकर मजे से ताश खेल सकते हैं। तुम्हारे साथ? अरे तुम तो दीवार से उखड़े हुए कीले हो, इसके दिन फिर गए तुम्हारे साथ पत्ते खेलेगा। ये तो ठाट से नौकरी करेगा, अशुभ बात है। चल बेटा अंदर चल। मैं चलूंगा। चल चल बेटा। क्या करती हो? ये क्या कर रही? गुड मॉर्निंग रेनू। गुड मॉर्निंग रेनू। अरे ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं वो दोस्त से मिलने जा रही हूँ। अरे बेटी, इतने दिन तो तू बाहर गुजार कर आई है, अब जरा घर में अपने डैडी के पास भी रहा कर। जल्दी आ जाऊंगी ना डैडी। जरूर आ जाना, आज तेरे अंकल तुझे अपने साथ फैक्ट्री ले जाना चाहते हैं। ओके ओके डैडी, बाय बाय बाय। हाय रवि। हाय। गुलाब को तो फूलों के बाग में होना चाहिए था, ये सड़कों के धूप में अपना रंग क्यों खराब कर रही हो? हाँ मगर तुम इस रंगीन दुनिया में किसको ढूंढने निकले हो? काले रंग को। काले रंग को मतलब? मतलब ये कि एडवोकेट हिंगोरानी के यहाँ नौकरी के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें इससे भी बड़े एडवोकेट के ऑफिस में नौकरी दिलाती हूँ। चलो बैठो गाड़ी में। अगर तुम मुझे नौकरी दिला सकती हो तो तुम्हारी गाड़ी में बैठना तो क्या, मैं तुम्हारी गाड़ी के आगे लेटने को तैयार हूँ। तो बताओ, लेटूं या बैठूं? बैठो ना। तुमने तो कहा था तुम मुझे नौकरी दिलवाओगी, यहाँ कहाँ ले आई? नौकरी का ऑफिस यही तो है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? मैं समझा नहीं। इस ऑफिस का नाम दिल है, इसमें सिर्फ एक ही जगह खाली है और वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। और तनख्वाह? साल में एक बच्चा। और अगर मैं ईमानदारी से काम करूँ तो ओवरटाइम? करीब आओ, बताती हूँ। बताओ। प्यार। दिल तुझे देंगे प्यार 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 ऐसा।
तुझे करेंगे, ऐसा तुझे करेंगे कि सारी दुनिया में किसी ने किया न हो। सरापा नूर तू रब का नूर, सरापा नूर तू रब का नूर। दिल 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 ऐसा दिल तुझे देंगे, ऐसा दिल तुझे देंगे कि सारी दुनिया में किसी ने दिया न हो। सरापा नूर तू रब का नूर, सरापा नूर तू रब का नूर। मेरी गोरी रूप की रानी चमके ऐसी जवानी, दिल तुझे देंगे, ऐसा दिल तुझे देंगे कि सारी दुनिया में किसी ने दिया न हो। पुरानी रस्मों के लिए तैयार नहीं हो रही है। मुझे जबरदस्ती क्यों उठा लाए हो? प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मेरी आबरू बर्बाद मत करो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। औरत की यहाँ आबरू रासों की कोई कीमत नहीं। तुम्हारी आंखों से बहते हुए एक एक आंसू की बूंद मुझे हजारों कमा कर देगी। बोल, मेरी बात मानती है? नहीं, नहीं, नहीं। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? ये लोग मुझे जबरदस्ती उठा कर लाए हैं, मेरा सौदा करना चाहते हैं, मुझे नीलाम कर रहे हैं। नहीं, ये मेरी बेटी है। नहीं। और ये हमारा खानदानी पेशा है। औरत की इज्जत और आबरू की यहाँ नीलामी हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? देखो इंस्पेक्टर, पहले भी तुम हमारे रास्ते में आई थी, उसका क्या अंजाम हुआ तुम्हें अच्छी तरह याद है ना? इसलिए इज्जत से जा और अपना काम करो। खामोश। जब आदमखोर शेर के पंजे उखाड़ दिए जाते हैं, सांप के दांत तोड़ दिए जाते हैं, तो वो मुर्दों से भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, समझे? देखो इंस्पेक्टर, अगर तुमने इस लड़की को हाथ लगाया तो समझ लो अपने लिए मुसीबतों को हाथ लगाया तुमने। और ज्यादा बकवास की तो सबसे पहले तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। उससे पहले मैं तुझे पेड़ से बांध कर यही तेरा नीलाम कर दूंगा। Thank you.
हम आपको खुश करने वाली दो भयानक खबरें लाए हैं। फौरन सुनाई जाए। जबलपुर में सूखा पड़ा है, पीने के लिए एक घूट पानी नहीं है, खेत मुरझा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, लोग पैसे तड़प रहे हैं। लगता है गुलाब जामुन खिला दिया। और दूसरी खबर, नालीपुर गांव में जबरदस्त बाढ़ आई है, जानवर बह गए और लोगों के घर उजड़ गए। वाह, एक तरफ सूखा है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना पानी है कि लोग डूब के मर रहे हैं। मगर मंत्री जी पहले कहां जाने वाले हैं, सूखे इलाके में या बाढ़ वाले इलाके में? कुछ पता नहीं। तो फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट लिखो, अगर ये बात हो तो वो बयान छापना और वो बात हो तो ये बयान छापना। अखबार अपना ही तो है। यस सर। अगर मंत्री जी पहले सूखे वाले इलाके में जाएं तो छापना, एक तरफ गरीब जनता सैलाब में बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ मंत्री महोदय उनकी मदद करने के बजाय जालनपुर जा रहे हैं, जहां न पानी है न मौत का सैलाब है, शायद उनको खुद के डूब जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। अगर मंत्री महोदय पहले बाढ़ वाले इलाके में जाएं तो लिखना कि एक तरफ कौम पानी के कतरे कतरे को मोहताज है, पीने का पानी नहीं है, और ये मंत्री महोदय उनकी आवाज सुनने के बजाय नालीपुर जा रहे हैं, शायद उनको खुद प्यास की आग में जल जाने का डर है। अरे ये कैसा कौम का हमदर्द है, ये कैसा जनता का लीडर है। चौरंगी लाल जी। क्या बात है, ये अचानक चौरंगी की चौखट को चूमने के लिए कैसे आना हुआ? क्या करूं, मेरे भाई को झांसी ने गिरफ्तार कर लिया है। किस जुर्म में? वो वैश्याओं का एक अड्डा चलाता था, उस पर रेड पड़ी और वो पकड़ा गया। उसने अंकल के पैर पर गोली मारकर उन्हें जख्मी भी कर दिया। आपको एक बार फिर अपने लेवल से नीचे उतरकर ऊपर वालों को फोन करना पड़ेगा, प्लीज। देखो, कहीं डाका डालो, किसी का खून करो तो मैं बचा सकता हूँ, मगर औरत की इज्जत पर डाका डालोगे तो मैं उस केस में हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा हाथ जल जाएगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसकी सजा कम करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, उसे किस तरह छुड़वा लीजिए चौरंगी लाल जी। देखो, पिछली बार जो मुझे 25,000 का चेक देना था, मैं वो साथ ले आया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए चौरंगी लाल जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई तुम पर शक करता हूँ, ये विश्वास नहीं है, पूरा है। तो एक काम करो, कल एक 25,000 का चेक और भिजवा देना। हा? क्यों? वो क्या है कि बंबई में गंगा नदी की बाढ़ आई है, उसके लिए मैं फंड इकट्ठा कर रहा हूँ। बंबई में गंगा नदी की बाढ़? लेकिन बंबई में गंगा नदी की बाढ़ कैसे आ सकती है? आ सकती है। ठीक है, आप सुबह अपना आदमी भेज दीजिए, मैं चेक भिजवा दूंगा। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि धोखा खाई हुई इन औरतों को महिला आश्रम में पनाह दी जाए। महेंद्रनाथ और उनके साथी जिन्होंने औरत की इज्जत का व्यापार किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस मुकदमे की कार्रवाई और तमाम गवाहों के बयान से साबित होता है कि महेंद्रनाथ एक मुजरिम है, इसलिए अदालत मुजरिम महेंद्रनाथ को आईपीसी दफा 294 के तहत 6 महीने कैद बामुशक्कत की सजा देती है। इंस्पेक्टर साहिबा, तो आखिर तुमने मेरे भाई को जेल भेज ही दिया ना? तुम हर बार जुर्म करके बच नहीं सकते मिस्टर कैलाशनाथ। तुम 3 मूर्ति में से 1 मूर्ति अंदर पहुंच चुकी है, अब तुम 2 की बारी है। झांसी रानी। ओके, रानी सही, लेकिन अगर तुम अपने लेवल से बढ़कर काम करोगी तो क्या करेंगे आप? अपने फौलादी पैरों तले चींटी की तरह मतल के रख दूंगा। मिस्टर चौरंगी लाल तो मुखिया, इनसे मत उलझना, लोग इन्हें खूनी भेड़िया कहते हैं, बोटी बोटी करके चौराहे पे बिखेर देंगे। शट अप। जिस दिन मैंने ये खाकी वर्दी पहनी थी, उसी दिन से मुझे पता था कि मुझे तुम जैसे खूनी भेड़ियों का मुकाबला करना होगा। तुम जैसे जंगली भेड़ियों को तुमसे पकड़कर घसीटते हुए ले जाकर पिंजरे में किस तरह बंद किया जाता है, ये मैं भी जानती हूँ और मेरा डिपार्टमेंट भी जानता है। अंडरस्टैंड? सुनिए ना, उठिए ना, आज हमारी शादी की सालगिरह है जी। दिन की ड्यूटी हो तो रात भर सोता रहता है और रात की ड्यूटी हो तो दिन भर सोता रहता है। पिछले जन्म में जरूर मैंने बिल्ली मारी थी कि इस जन्म में ये बिल्ला मिला। न जाने मेरा मुंह लाल कहाँ होगा। गोबर की नदी में हराम का छिलका डूब कर मर रहा होगा। कौन है ये साला मुंहमालाल? मुंहमालाल का मतलब है मुरली मनोहर लाल, मेरे बचपन का साथी और दूर का रिश्तेदार। सरकार ने उसे बड़ी देर के बाद पहचाना है, अभी चंद दिनों पहले ही बाकारा का खिताब दिया है उसे। बकरे का खिताब दिया है? बकरा? बकरा नहीं, बाकारा, यानी कि बांसुरी का राजा। अगर वो यहाँ बांसुरी बजाना शुरू कर दे
तो हमारे घर की दहलीज भी नाचना शुरू कर दे। अगर मैं बजाने लग जाऊं तो इस घर की छत उड़ जाए। मुंह बंद कर और सो जा। जिस दिन से शादी हुई है यही तो करती रही हूँ मैं। मुरलिया चमेलिया 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 नहीं 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 चमेली, अफसोस तुम्हें छूने का सौभाग्य मेरे दुर्भाग्यपूर्ण हाथों से छीन चुका है। परंतु तुम कैसी हो? बस जी रही हूँ। ओ साथी रे। नहीं नहीं मत गाओ मत गाओ, मेरे कलेजे की नाजुक बांसुरी फट जाएगी। बचपन में तुम आलाप थी और अब आनंद भैरवी बन चुकी हो। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? कौन है बे? कौन कौन हो तुम? कौन है वो? क्या ये तुम्हारा बड़ा बेटा है? हा? मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा। अरे ये क्या, अभी से तुम्हारी मूछ और सिर के बाल सफेद कैसे हो गए? बचपन में बहुत शहद चाटा था क्या? चाटना कोई बुरी आदत नहीं, शहद तो मीठा ही होता है ना। तेरे पिता कहाँ है अर्थात मेरे बड़े भाई? चमेली कौन है ये पागल? देखिए जी ये पागल नहीं है, यही तो है वो बांसुरी का राजा। सुनिए आप इनकी बात का बुरा मत मानिए, ये मेरे वो हैं। कोई बात नहीं चमेलिया, तुम अपने स्वामी की तीसरी पत्नी हो, तभी मैंने सोचा ये पहली पत्नी का बड़ा पुत्र होगा। बस सारा संसार मुझ जैसे महान व्यक्ति को पागल कहकर ही पुकारता है, और फिर किसी दूसरे ने पागल थोड़ी कहा, मेरे स्वयं के भाई ने कहा है। भाई मुझे नहीं जैसा रिश्ता। ठीक है भाई साहब। फिर भाई साहब इतनी सारी बांसुरियां लेकर क्यों घूम रहे हो? एक बांसुरी काफी नहीं बजाने के लिए? यही तो तुम गलत समझते हो भाई साहब। भाई साहब क्षमा करना क्षमा करना। जैसे राग को बदलने के लिए ताल को बदलना पड़ता है, वैसे अलग अलग सुर के लिए अलग अलग साइज की बांसुरी को बजाना पड़ता है। वो तो ठीक है। ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों पधारे हो? कैसा बेहुदा सवाल किया है तुमने। अरे मेरे जैसा महान बजाऊ क्यों आता है? प्रोग्राम करने के लिए। अपने यहाँ भी कोई प्रोग्राम रखवाइए, आपके प्रोग्राम में तो फ्री बजाऊंगा बांसुरी। मुरलिया चलो चल के खाना खा। तुम लगाओ मैं आया। अच्छा। आप भी थोड़ा खा लीजिए भाई साहब। अरे भाई साहब के बच्चे। सुनते हो? सुन रही हूँ जी। ले ऐसे सुनोगी क्या? अरे हम तो जाने क्या क्या छोड़ के चले आए इस उम्मीद में कि कुछ तोहफा मिलेगा। क्या चाहिए जी? लीजिए जी, अब ये भी बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए जी। हैं? देना ही पड़ेगा जी। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे। और मुलायम नहीं है जी? मखमल से भी ज्यादा मुलायम, फूलों की पंखुड़ियों की तरह। मम्मी मम्मी। अरे बेटे तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गई आज? अरे, 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 अरे क्या हुआ, पागल हो गई है क्या? है हंसी जा रही है? अरे सुनती है देखो हंसी जा रही है। अपनी मुट्ठी गर्म करता हूँ, लेकिन तू यहाँ आटे से अपने गाल ठंडे कर रहा है। गर्म ठंडे नहीं क्या कर रही? अरे अपनी शक्ल तो देखो। जल्दी से पहुँच ले जल्दी से पहुँच। What is this? इतनी छुट्टियाँ? सर गर्भवती औरतों को बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद 45 दिनों की छुट्टियाँ देनी ही पड़ती हैं। और तनख्वाह? हमें ही देनी पड़ती है। What nonsense? जब वो काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें तनख्वाह किस लिए दें? सर बात दरअसल ये है कि आपने ऑफिस की जिम्मेदारियाँ नई नहीं तो क्या हुआ? चलो मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये फैक्ट्री है या तुम्हारा घर? इडियट, तुम यहाँ के बच्चे को दूध पिला रही हो, वो झूला झूला रही है। तुम जैसी औरतों को तो तनख्वाह नहीं बल्कि धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। मालिक औरतों से बदतमीजी से बात मत कीजिए, तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। वो औरत ही थी जिसने तुमको दूध पिलाया और झूले में झुलाया। यू शट अप, इन दो कौड़ी के बच्चों का मुकाबला हमसे करती है? क्यों मालिक, अब सोने के बने हैं और हमारे बच्चे मिट्टी के? सब एक जैसे ही तो पैदा होते हैं। तुमने हमारी इंसल्ट की है। मैनेजर। यस सर। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली तमाम गर्भवती औरतों की और बच्चे वाली औरतों की लिस्ट तैयार करो, मैं उन सबको नौकरी से निकाल रहा हूँ। शेखर बाबू हरी ने राधा बहन को थप्पड़ मारा। क्या? What? एक मजदूर औरत को थप्पड़ मारा तुमने? ये रोज नई नई प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी करते हो? यू डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम डैड, ये मेरी इज्जत का सवाल है। अगर इन औरतों को नौकरी से नहीं निकाला तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हरी बाबू मारो, हरी बाबू चलो, हरी बाबू, हरी बाबू मारो, हरी बाबू, हरी बाबू मारो। क्या हो रहा है शेखर, काम छोड़कर चिल्ला क्यों रहे हो? सेठ जी आपके बेटे ने एक मजदूर औरत पर हाथ उठाया,
और हम उससे यहाँ माफी मंगवाने के लिए आए, और अगर ये माफी ना मांगे तो मजदूर की ताकत को मत ललकारो सेठ। पैसे की ताकत के आगे बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए हैं शेखर। जिस पैसे की ताकत पर आपको नाश है, जिन नोटों के ढेर से आप अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, उन नोटों में रंग भरने के लिए स्याही की जगह इन मजदूरों का खून इस्तेमाल हुआ, ये आप भी जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं सेठ। इसलिए भला इसी में है कि इस लड़के से माफी मंगवा दीजिए। किस बात की माफी? मैं अपने बेटे के ख्याल से बिल्कुल सहमत हूँ। जो औरतें ठीक से काम नहीं कर सकती उन्हें नौकरी से अलग किया जाता है। ये रहे उनके दिल में चलौने। सेठ, मजदूर अपनी मेहनत और मुशक्कत से आपकी बेजान मशीनों को जिंदगी देता है, और आप इन मजदूरों को रद्दी के टुकड़ों की तरह फेंक देते हैं और समझते हैं कि ये मजदूर इन टुकड़ों को उठाकर खामोशी से सर झुकाकर चला जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है, समझे? नहीं तो क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा हड़ताल कर लोगे ना? हड़ताल को इतना तुच्छ ना समझ सेठ। हड़ताल ने बड़े बड़ों के सुरताल बिगाड़ दिए हैं। हड़ताल मजदूर का वो वाहिद हथियार है जिसकी ताकत एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिखाओ अपने एटम बम की ताकत। अरे जब पेट में भूख की आग भड़केगी ना, तो मरियल कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए हमारे तलवे चाटने के लिए तुम सब के सब वापस आओगे। हाँ, लेकिन कुत्तों में एक दांत और भी होती है जो सिर्फ भौंकती नहीं काटती भी है। हरी बाबू, दो दिन के अंदर अगर आपने ये डिसमिसल ऑर्डर्स वापस नहीं लिए और अपने इस लड़के से माफी नहीं मंगवाई तो हमें मजबूरन इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोच लेना सेठ। आज वक्त आ गया है जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का। अपने गुरूर के गंदे कदमों तले मजदूर को दबाने वाला ये मालिक, ये मैनेजमेंट, इनका सर झुकाना। आज हम कदम खाते हैं कि जब तक हमारे निकाले गए साथियों को नौकरी पर वापस नहीं लिया जाता, तब तक हमारा कोई साथी, कोई कामरेड नौकरी पर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाएंगे। आवाज और टोन तो अच्छी है, शक्ल भी अच्छी होगी। अरे उसकी टोन को मारो गोली, यहाँ पर स्टोन बरसाने का वक्त आ गया है। उसकी बीवी झांसी ने मेरे भाई को लंगड़ा बनाकर जेल भिजवा दिया, और अब मेरी फैक्ट्री को लंगड़ी बनाकर मुझे भी सड़क पर लाने के चक्कर में है। इस मामले अपनी टांग अड़ाइए आप। ऐसे छोटे मोटे मामले में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा तो मेरा लेवल गिर जाएगा। भैया प्लीज इनकी मदद कर दीजिए, वरना ये बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं स्टेट लेवल का आदमी हूँ, उतर के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे आ सकता हूँ? प्लीज भैया। ओके कैलाशनाथ चौरंगी जी, मैं डायरेक्ट इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, मगर प्लान बता सकता हूँ। बताइए ना, बताइए। कल जब तुम अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी फैक्ट्री जाओगे तो वो साला चंद्रशेखर गेट पे खड़ा होकर तुम्हारी गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगा। तुम बेरहमी से उस पे गाड़ी चढ़ा देना, और अगर केस बने तो सारा इल्जाम ड्राइवर पे डाल देना। ओके करेक्ट। एक तीर दो निशाने, शेखर से भी छुटकारा मिल जाएगा और उस सर्किल इंस्पेक्टर झांसी से भी बदला ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शनो देवी रविष्टया आपो भवन्तु गीतये नयो रविष्टवन्तुना। ओम स्वस्ति बन्ता मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव नलदाग्नदा जानता संगमे मई। ओम विश्वानि देव सवितर त्वरिता। ज्योति ज्योति, तुम्हारी मम्मी का अपने कानून से ज्यादा भगवान पर विश्वास बढ़ता जा रहा। भगवान के बारे में ऐसी बात मत करो, वरना भगवान आंखें छीन लेंगे। अरे जो भगवान खुद दुनिया से आंखें बंद किए बेटा, वो हमारी आंखें क्या छीनेगा? क्यों बाबा? भगवान कैसा भी हो, लेकिन घर में कभी कभार पूजा पाठ होना चाहिए। पूजा पाठ ना हो तो मिठाई खाने को कहाँ से मिलेगी? जोशी माता को प्रसाद अभी चढ़ाया नहीं, पहले से हाथ लगा दिया। हटो चोटी। अरे बूढ़िया, इतनी सारी औरतें घर में बैठी है, कम से कम दिखावे के लिए तो मेरी इज्जत कर। चोटे के लिए मैं क्यों दिखावा करूं? जल्दी हजार जुल्म की टक्कर में जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, मजदूर हजार जुल्म की टक्कर में। Management! 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 Management!
शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च। बेटा जाजी तुम्हारा फोन है, फैक्ट्री के सामने गाड़ी के नीचे आकर कोई मर गया, फौरन तुम्हें बुलाया है। बेटी जाजी संतोषी माता की पूजा को यूं बीच में छोड़कर नहीं जाते, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी, सबको प्रसाद दे दो फिर चली जाना। नहीं माँ जी, अगर मेरे पहुँचने में जरा से भी देर होगी तो मेरी बदनामी हो जाएगी। रुक जाइए, आई सेड स्टॉप इट, ये क्या गुंडागर्दी हो रही है? गुंडागर्दी हमारी नहीं तेरा स्टाफ की है, जिसने बेरहमी से हमें बैठ जाप किया है। आप लोग जोश से काम मत लीजिए, मैं इंक्वायरी करती हूँ। क्या इंक्वायरी करेंगे आप, जब अहमद भाई की लाश यहाँ खून में लथपथ पड़ी है। हम सब गवाह हैं कैलाशनाथ की जिंदगी के, उसने जानबूझकर इस बुजुर्ग को अपनी कार के नीचे रौंदा है। वो मुजरिम है इंस्पेक्टर साहबा, उसे गिरफ्तार कीजिए। वो मुजरिम है या नहीं इसका फैसला करना आपका या मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। मिस्टर कैलाशनाथ बाहर आइए, चलिए। वहीं रुक जाइए इंस्पेक्टर साहिबा, आप सही वक्त पर देवी बनकर आ गई, वरना तो मुझे जान से मार डालते। यहाँ जो भी हादसा हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो हमेशा की तरह अपनी कार में आ रहा था कि अचानक इन लोगों ने मुझे और मेरी गाड़ी पर पत्थर मारने शुरू कर दिए, मैंने शील तोड़ दिया और मुझे जान से मारने के लिए मुझ पर हमला भी किया। झूठ बोल रहा है नालायक, आप खामोश रहिए। ये बिल्कुल सच है मैडम, मालिक को लोग मारने आ रहे थे, मैंने डर के मारे गाड़ी तेज चला दी, वो आदमी गाड़ी के नीचे कब और कैसे आ गया मालूम नहीं। कॉन्स्टेबल इसे गिरफ्तार कर लो। कैलाशनाथ है इसे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर मेरा काम तुम्हारे हुक्म पर चलना नहीं है, मैं कानून की नुमाइंदगी करती हूँ और उसी के अनुसार काम करूंगी। कानून की नहीं, आप इस सरमाएदार इस रईस कातिल की नुमाइंदगी कर रही हैं। एक गरीब मजदूर की लाश सामने पड़ी है और आप इस खूनी की रक्षा करने के लिए कानून और उसूल जैसी बातों की दीवार खड़ी कर रही है। होल्ड योर टंग मिस्टर, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपने क्या समझ रखा है, कानून कोई मूंग का टुकड़ा है जो सरमाएदारों की दौलत की गर्मी से नर्म हो जाएगा और उसे जिस तरफ चाहो मोड़ दिया जाएगा? जी हाँ, आपका कानून अंधा है, आपकी अदालतें बहरी हैं। अगर आपने इस वक्त इस कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम खुद से वो सजा देंगे जो आपकी अदालत कल देगी। सुना इंस्पेक्टर, आपने सुना, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाला ये मामूली सा वर्कर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, आप इसको इसी पॉइंट पर फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। अरेस्ट हिम। कैलाशनाथ, अगर तुमने मरहूम अहमद भाई के यतीम बच्चों को 1 लाख का मुआवजा नहीं दिया और अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो हम तुम्हें खुद अपने हाथों से सजा। स्टॉप इट, अगर आप लोग अपनी मनमानी करेंगे तो हमें मजबूर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। वाह मैडम, अपराधी को छोड़कर हम पर लाठी चलाएंगे आप? चलाइए, हम भी देखेंगे। तुम यहां क्यों आए? मेरा बहनोई जिसने बेसहारों का सहारा बनकर आवाज उठाई, उसे एक पत्थर दल इंस्पेक्टर ने सर फोड़कर हवालात में कैद कर रखा है। रवि भैया माफ कीजिए,
आप कानून की पाबंदियों के पिंजरे में बंद हैं। आप सिर्फ नाम से पुकार सकती हैं। नामों के साथ रिश्ते जोड़कर पुकारने का आपको कोई हक नहीं, चाहे वो भाई बहन पति या तक कि माँ बाप क्यों ना हो। रवि, आपका डिपार्टमेंट तो सिर्फ इंसाफ की रक्षा के लिए है, लेकिन जहाँ बेइंसाफी होती है वहाँ तो आप लोगों का पता तक नहीं चलता। जालिम और कातिलों की मदद के लिए आपके हाथों की लाठियां पागल के हाथों के पत्थर बनकर शरीफों पर बरसती हैं। यस, मैं जमानत लेकर आया हूँ, छोड़ दीजिए मेरे जीजाजी को। कांस्टेबल, वो औरत जो अपने पति को जरा सी खराश आ जाने पर सारा घर सर पर उठा लेती थी, आज वही अपने पति का सर फोड़कर उसे जेल में बंद करती है। वो सब प्रेम, वो दर्द कहाँ चला गया? माँ जी, रहने दो, जिन हाथों से अपने पति को मारा है उन हाथों से खाना बनाओगी तो वो जहर बन जाएगा। बाबूजी, चाय। नहीं बुध, मजगरीब की सेवा काहे को करती है, तू तो अपने पति को मार सकती है। जा बेटा, ऐसी ही सेवा करना अपने डिपार्टमेंट, इनाम में मेडल मिलेंगे, अखबारों में बड़े बड़े फोटो छपेंगे, बड़ा नाम होगा तेरा। जा। चल जीती, खाना खा ले बेटी। अगर तुम्हारे पिता को चोट लगी होती तो क्या तुम्हें भूख लगती? बेटी, तुम रो रही हो? घर के सब लोग मुझे नफरत की निगाह से देख रहे, सब कोस रहे मुझे। उस वक्त मेरे हाथों जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत ये मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मुझे उन हालात में मजबूर होकर वो कदम उठाना पड़ा। लेकिन अपने पति को जख्मी करने के अपराध पर भगवान मुझे जो भी सजा दे उसे मैं खुशी से भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं जानती, नहीं, ऐसा ना कहो। देखो, कर्म सर्वोच्च होता है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है और शिव उसी सृष्टि का नाश करता है, मगर दोनों ही भगवान कहलाते हैं, दोनों ही पूज्य हैं, क्योंकि वो अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। मैंने एक मजदूर लीडर के नाते अपना फर्ज निभाया और तुमने एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से अपना फर्ज निभाया। हम दोनों ने ही अपने अपने कर्मों का पालन किया है और जो लोग कर्म को श्रेष्ठ समझते हैं उन्हें ये सब कुछ तो सहना ही पड़ता है, और तुम्हों की इतनी सी बात पर आंसू बहा रहे। आप ये बात दिल से कह रहे हैं? दिल से ये बात मैं अपनी रूह की गहराइयों से कह रहा हूं।
कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर, कॉमरेड चंद्रशेखर। अरे अरे चुप हो जाओ, चुप, क्या शोर मचा रखा है? वो घायल होकर अंदर तड़प रहा है, क्या उसे घर में एक मिनट चैन नहीं लेने दोगे? माँ जी, आज से हमारे चंद्रशेखर भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं। क्या? हाँ माँ जी, जब तक फैक्ट्री मालिकान हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक शेखर अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे, हमारे लिए अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक व्रत रखेंगे। आप आज से भूख हड़ताल शुरू करने वाले? हाँ, क्यों? तुम नहीं चाहती? मैं क्यों नहीं चाहूंगी, मुझे तो फक्र है कि भूख से तड़पने वाले गरीब मजदूरों का सहारा बनने वाला, उनके हक के लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाला आदमी मेरा पति है। मैं भगवान से आपकी कामयाबी की प्रार्थना करूंगी। मैं आपकी पत्नी हूं जी। अरे? हाँ बेटे। अगर मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? रोते नहीं है बेटे, नहीं। उठो भाई, सब लोग सुबह हो गई, घर जाकर नहा धोकर आओ, मैं जीजाजी का ख्याल रखता हूँ। गुड मॉर्निंग जीजाजी। शेखर बाबू, कैलाशनाथ जी एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? हड़ताल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। मैं सब मजदूर भाइयों को यहाँ बुलवा लेता हूँ, तुम उससे कह दो यहाँ के बात करें। जिद करने से क्या फायदा जीजाजी, शायद वो समझौता करने को राजी हो गए। मेरी बात मानो, चलो वापसी पर शायद हम अपने साथियों के लिए वहां से खुशखबरी भी ले आए। चलिए 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 चलिए। शेखर आओ बैठ। आप हमारी सारी मांगे पूरी करने को तैयार हैं? बिल्कुल, जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ, और अहमद मियाँ के बीवी बच्चों को 1,00,000 रुपया हरजाना देने के लिए भी तैयार हूँ। और हड़ताल के दिनों की पगार? वो भी दूंगा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोगों की बाकी मांगे भी पूरी करने को तैयार हूँ। सोच क्या रहे हैं जीजाजी? पहले आप दस्तखत कीजिए सेठ जी। ओके ओके, पहले मैं कर देता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लीजिए आप खुश। मजदूर जिंदाबाद। चलिए सेठ जी, आज से हम और आप दोस्त बन गए फिर से। अरे अब देर किस बात की है, नींबू पानी मंगवा दीजिए। अरे हाँ। अरे बेटे शेखर, लो पियो। सब कुछ आपके बेटे के कारण हुआ है सेठ जी, इसे कहिए आइंदा हमारे मामले में एहतियात से काम ले। गुड लक शेखर। नमस्ते। मजदूर की ताकत। आखिर आप जीत गए जीजाजी। क्या हुआ जीजाजी?
बातचीत हो रही है। आपने भूखे पेट शरबत पी लिया था ना नींबू का, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप रुकिए, मैं अभी साइकिल लेकर आता हूँ। शेखर, यू आर फिनिश्ड। नींबू के पानी में हमने जहर मिला दिया था। अब तू यहाँ का गेट पार करने से पहले मर जाएगा और इस फैक्ट्री की मुसीबत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शैतान, लानत है तुझ पर। मुझे फख्र है कि मैंने जिस मकसद के लिए मरण व्रत धारण किया था वो मकसद मैंने हासिल कर दिया है। अब तो केवल ये कागजात मुझे मजदूर भाइयों तक पहुंचाने हैं। उसके बाद अगर मुझे मौत भी आ गई तो मुझे गम नहीं, तो मुझे गम नहीं। ए, इससे वो पेपर खिल लो। सन्यासी नहीं हूं जीजाजी, ब्रूटस का प्यारा लाडला भाई। शराफत से पेपर्स मुझे दे दो। कैलाशनाथ ने हम दोनों को हड़ताल के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया तो हम अंदर गए। वहां उनसे कोई समझौता ना हो सका, उससे मैं जीजाजी ऑफिस से निकलकर बाहर आ गए। मैंने उनसे कहा आप काफी कमजोर हो गए, मेरे कंधे का सहारा लेकर चले, मगर नहीं माने। डगमगाते हुए आगे बढ़ गए कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वो लॉरी के नीचे आ गए और जीजाजी वहीं खत्म हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। Yes, madam. नहीं बेटी, नहीं। मेरे बेटे ने पहले ही जीते जी बहुत दुख उठाया, मरने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े मत करो।
मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे उसका अंतिम संस्कार कर दो बेटी, ऐसे। कानून उसकी इजाजत नहीं देता। मैडम, कम से कम हमको अपने नेता की लाश का अस्पताल तक जुलूस निकालने की इजाजत दीजिए। ठीक है। भाइयों, कामरेड शेखर को मजदूरों का लाल झंडा पहना दो। इन्होंने मजदूरों की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अमर शहीद को झुककर आखिरी प्रणाम करो। कामरेड चंद्रशेखर, कामरेड चंद्रशेखर, इंकलाब जिंदाबाद। जब शैतानों ने मिलकर मरण मृदंग बजाया, ईमान को दफनाया और झूठ को ताज पहनाया, कानून कहां सोया था, कहाँ खोया था। जब सच्चाई के सीने में खंजर उतारा जाता है, जालिम लोगों के हाथों जब ईसा को मारा जाता है, कानून कहाँ सोता है, इंसाफ कहाँ होता। मांग रही है जवाब इंसाफ की आवाज, कुछ लोग जहर से जहरीले जो यारी का दम भरते हैं, मन से हाथ मिलाते हैं, यारों से धोखा करते हैं, जो किस्मत लिखते आए हैं उन हाथों को क्या और मिला, इतनी मेहनत के बदले अंदर अंदर रोता है,
कानून कहाँ सोता है, इंसाफ कहाँ होता है। मांग रही है जवाब इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज, इंसाफ की आवाज। क्या बेटी पागलों की तरह आंसू बहा रही हो? अब इस बदनसीब की किस्मत में पागलपन भी नहीं है रवि। क्या जिंदगी है मेरी? मेरे सामने मेरे पति की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और मुझे इतनी आजादी नहीं थी कि मैं इनकी लाश पर आंसू बहा सकूं। धीरज रखो दीदी, जीजा जी का सिर्फ शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सच्चाई के असूल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, वही खून सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पर सच्चाई की बिंदिया बनकर चमकेगा। उनके आदर्श तुम्हारी सांसों में जिंदा रहेंगे, उनके असूल तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे, उनके कदमों के निशान तुम्हारे कदमों के साथ चलेंगे, उनके जज्बात इंसाफ की आवाज बनकर तुम्हारे दिल में गूंजते रहेंगे, और यह गूंज तुम्हें सच्चाई की मंजिल तक पहुंचाएगी, और यही गूंज पाप की जड़ें काटने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं क्या करूं राम, मुझे पुत्र मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ना। अजी रगड़ तो रही हूँ। क्यों जी? बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी है। छोड़ो पानी है। संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है? अरे वो महान नहीं है, भुतनी का शैतान है। अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरे देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अच्छी बैठो जी। ठीक से लगा साबुन। चमेलिया तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। पाकरा ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। पाकरा एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहा है, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब खैर। भाड़ में जाए तेरा ये संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई? आप नहीं जानते जी बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं सिर्फ अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। भाई साहब आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। ये बांसुरी है, मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजीब बात भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे? सुबह अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बांसुरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रवि क्या बड़ों की दुश्मनी हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? नहीं रेणु, जब भी मैं अपनी बहन की उजड़ी मांग देखता हूँ तो तुम्हारे बाप और अंकल के खिलाफ मेरा दिल नफरत की आग से जलकर भड़क उठता है। जी चाहता है इसी वक्त जाकर, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं।
बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। इस तरह तुम अगर हर लोफर के साथ में। अरे असली लोफर तो तू है। अबे बेगैरत, इसने लोगों के बीच तुझे जूता मारा है, फिर भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शहर कोई और था, वहां मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला एक मामूली स्टूडेंट था, मगर उस शहर में मैं चारंगी लाल दो मुखिया का भाई हूँ। तू इस शहर में अगर चार मुखिया का भी भाई होता तो क्या कर लेता? अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की से शादी नहीं की तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है? हाँ, उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है। आओ रेनू, आओ। क्या बात है अंकल? कुछ नहीं रेनू, ये श्री चौरंगी लाल दो मुखिया है और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो? इनको तो नहीं जानती, लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी, तब इनको देखा था, और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे, उस वक्त भी इनको देखा था। बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको, करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है। सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चौरंगी लाल जी, बाय। वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे, इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जबरदस्ती शादी करवा दीजिए और क्या है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी, वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है, ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ। सॉरी। अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ, और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पे छोड़ दो, अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगी लाल। तो क्या मैं नालायक हूँ? यही मेरी भतीजी ने बताया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है, मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है, और तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? जानता हूं। तुम कल के XMLC हो और मैं आज का करोड़पति हूं। ओके ओके शंकर। यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। शंभू जी हो। ड्राइवर तैयार है? जी हो। इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो। Damn it! भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा। किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं। हेलो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप कौन बोल रहे हैं? कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे, और आप सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा, वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के चार टुकड़े होते हैं, रा, ज, नी, ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, और त से तिगड़मबाजी करने वाला, और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं। बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले, मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने। एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है, अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। ये लो बलराम, सन्यासी राजा का स्पेशल माल चढ़ाओ कटाक्ष।
नैसी लाठी लगी थी, अच्छा हुआ। और तूने शराब की दुकान खोली ना, ये और भी अच्छा हुआ। मगर सन्यासी दुकान का नाम तुमने सन्यासी राजा वाइन शॉप रखा है ना, ये बहुत बंडल है। अरे सन्यासी राजा, अरे कन्हैया आओ, तुम भी मारोगे ब्रांडी? मैं सिर्फ डंडा मारता हूँ, सर्किल इंस्पेक्टर ने बुलाया, चलो पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मेरी बहन जी ने बुलाया तो बराबर है, मैंने शराब की नई दुकान खोली है तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाती होगी। चलो बल्ला भैया जा रहे हैं। कन्हैया मेरी बहू को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने कहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं। चलो चलो, ध्यान रखना दुकान का बलराम। कन्हैया कहाँ है हमारी बहन? अंदर आपका इंतजार कर रही है। मैडम, सॉरी बहन जी, अपनी शराब की दुकान के उद्घाटन के समय आपको बुलाना ही भूल गया। हैरत हो रही है ना बहन, कि ये सन्यासी राजा अचानक साहूकार कैसे बन गया? कुछ नहीं, तकदीर आजमाने के लिए लॉटरी खरीदी थी, लग गई, 1,00,000 का इनाम मिला, बस। बड़ी खुशी हुई। तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। ये पुलिस वाले मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? आए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आओ, बैठ जाओ। आप तो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं कि मैं खुशी के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। ये मुझे बांध क्यों रही है बहन जी? तुम लोग बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? बहन जी, उनकी मौत कैसे हुई? लारी के नीचे आकर। बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटा कर इतना खुश नहीं होता है, सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। कमान चल में देखो, उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो उनकी मौत कैसे हुई? सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहां से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही है? इनकी मौत कैसे हुई? नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा जमीर मुझे बार बार डसने लगा, इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूं। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात, मैं भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही न दे दे, उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए, ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरी कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है।
वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चार दीवारी में कैद कर दूंगी। कांस्टेबल, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी, इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है, एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोहों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया, क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी, उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट, गेट आउट। तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है, और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनेगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है, शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी। अगर तुम मेरे जीजाजी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिला। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं, अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी, सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिला दीदी। मैनेजर। यस सर। नए मजदूरों से कहो कि कल से काम पर आ जाएं। सर, नए लोगों को काम पे रखने से हड़ताल वाले मजदूर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो मरेंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, क्या बात है? मेरा क्लासमेट है, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना अंकल। अरे बेटी, तुम कहो और मैं ना मानूं। जब तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैंने चौरंगी लाल जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली, तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं किसी को छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता? जरूर दूंगा, मुझे उसका नाम और क्वालिफिकेशन दे देना। मैनेजर। यस सर। लेकिन अंकल, उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट नौकरी चाहिए। अरे बेटा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। मैनेजर। यस सर। तुम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देना, मैं फौरन साइन कर दूंगा। आप खुश? बहुत खुश, थैंक यू अंकल। रवि, रवि। रवि, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से नौकरी दिलवाई और तुम सिर्फ थैंक यू से ही काम चला रहे हो, तो और क्या चाहिए? लव इन द रेन। बदन
मुझ में अगन जलने लगे दोनों के बदन सर, मेरा लड़का मर गया और क्रियाकर्म करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ हेल्प हो जाएगी तो 50 रुपए मिल जाते तो 50 रुपए 20 से काम चल जाएगा, एटलीस्ट 5 रुपीज। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू सर, सर 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 सर। अरे भाई दे तो दिया कंगाल। क्या आदमी है ये, दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आई एम नॉट अ बेगर, I am a retired government employee। मजबूरी है,
तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए चले। I'm sorry. 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए दो दो दो। दादाजी मम्मी 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 आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी 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 मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ टिश कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी इस उम्र में झूठ बोलते हैं आपको शर्म नहीं आती? ज्योति बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं? जो लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे मेरा बेटा मर गया है उसके क्रियाकर्म के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पर पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूं मम्मी मैं बेकसूर हूं मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति चुप हो जाओ बेटे। बाबूजी अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। जू जी तुम भीख मांगते हो? जी जी आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया। रो रही हूं इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू अरे ये क्या तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए। खैर कोई बात नहीं माला कहाँ है लाओ स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल तुम क्या क्या बात है? वही पुरानी बात उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था। आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं 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 महाप्रभु मैंने तो उसी दिन से अपने होश से लिए थे मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ बोलो। मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए दंगे फसाद कराए जब उनसे नियत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा
तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी हथेलियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवर्नर से तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है ये भी तुम्हें मालूम है। भाई चौरंगी लाल जी समझ लीजिए, ये आपके पाँव है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजी की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। ये भी ना बात, तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। चीयर्स। चीयर्स। तुम ही खड़ा रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी मगर दूल्हा विक्रम नहीं ये रवि होगा। ओके ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को काम पर लाने का तरीका बता सकता हूं। बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है, अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिक तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियां के घर वालों को हर जाना भी नहीं मिलेगा? जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी? नहीं कहिए सर। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। डरने की कोई बात नहीं है, हाँ चलने दो, चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े हैं, नीचे पुलिस वाले हैं। ऐ सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दिए सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है किसी को ऊपर आने मत देना, ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई एतराज नहीं है। जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ भैया? शादी तो आपने करवा दी लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। थैंक यू अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन?
मेरा भाई और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोचकर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्रनाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन दो बालिकों को अगर तुमने धमका कर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्हीं ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बकारा मुंह मालार? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता, आ खाने में डूब। चन्नम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नरमम गर्मम मैडम देतम स्वीटम और मेरा श्राद्धम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं, जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है, ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वो ही है। वाह वाह राग लोड़ी। इसका मतलब है ये टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। भगवान मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है। राधा ओ, राधा ओ, प्रेम गाधा हाय। राधा प्यार दे प्यार दे दे राधा प्यार दे, पीछे स्वामी तेरा चाहे मुझको मार दे दे राधा प्यार दे। फ्लूट की तू रानी है और फ्लूट का मैं राजा, मिलके हम तुम दोनों बजाए प्यार का बाजा, आजा राधा प्यार दे। बांसुरी की बकवास, बाके ओ बाके ओ बाके 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 रे, क्यों मेरे घर में तू जाके मुरली बजा के गाना सुना के, क्यों मेरी बीवी को ताके, सुन सुन के तेरा गाना बजाना झंडा भी मेरा काबे काबे। बाके ओ बाके ओ बाके 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 रे, क्यों मेरे घर में तू जाके। बाजी 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 सुन के
हमको तो जमुना किनारा है। तू जहाँ वो आंगन वृंदावन जैसा प्यारा है। I'm a flute master, I'm a flute master। जी तो चाहे मुरली को तोड़ डालू मैं, तेरी गर्दन ही मरोड़ डालू मैं, तोड़ू मरोड़ू। प्यार तुझे महंगा पड़ जाएगा, जेल में तू पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। मुरली को आरती बना दू मैं अभी, गैर की तू बीबी को न छेड़ेगा कभी। जी तो चाहे पानी पानी में नैया, नैया में प्रेमी दो चले हैं प्रेमी दो। घर हमने छोड़ा हर रिश्ता तोड़ा, अब जो चाहे हो चले हैं प्रेमी दो, चले हैं प्रेमी दो, चले हैं प्रेमी दो। अरे किधर गई, किधर गई रे, भाग गई, भाग गई मेरी बीवी, बीवी 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 भाग गई रे। ओ बीवी बिना चैन कहाँ रे, बीवी मेरी भाग गई रे। जब दिल ही टूट गया, जब घर ही टूट गया, हम रह के क्या करेंगे, लूट बजा के कोई। मेरा घर ही लूट गया, लूट गया, लूट गया। ये सब आपकी वजह से हुआ? नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंस्पेक्टर ने रोका भी तो तुम रुके क्यों? वो तो ठीक है, अब चौरंगी लाल को कौन समझाएगा? वो दो मुख वाला साहब कहीं हम पर हमला न कर बैठे। डट डट, वो रवि आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या? मेरी कुर्सी पर बैठा है जी? गधा नकली पंजे लगाकर शेर से मुकाबला कर रहा है। चलो देखते हैं। तेरी ये हिम्मत, मेरी कुर्सी पर बैठा है, चलो। क्यों हॉट हॉट हो रहे हो बड़े ससुर जी? बक बक मत कर। कल तक हमारे मजदूरों की खाकी वर्दी पहनकर कौए की तरह घूमता फिरता था और आज मेरी कुर्सी पर बैठा है। तो क्या हुआ बड़े ससुर जी, आपका दामाद हूँ, आदि जायदाद का हकदार हूँ, क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, तुमने बुलाया? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ हूँ, तेरा अंकल यहाँ है, तेरी जुबान से ये डार्लिंग शब्द निकला कैसे? मजबूर हूँ डैडी, हिंदू धर्म में तो पति भगवान के समान होता है ना, लाइक गॉड। गॉड ही इज लाइक अ डॉग। चल उठ कुर्सी से। नॉट पॉसिबल स्मॉल ससुर जी, क्योंकि एज अ सन इन लॉ इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में 50% पर मेरा हक है। मैं तुम्हें कौड़ी भी नहीं दूंगा। खैर, कौड़ी तो मैं लूंगा भी नहीं, पूरे 50% ले चुका हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गए थे। ये रहा दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज। और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है, ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाखलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। Shall we leave, darling? Yes, dear. Don't forget the bag. Oh no. प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए जब पहली बार मैंने साक्षी में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह रवि था। इन दो कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था, तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तमीज से बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था
मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। रवि बाबू, रवि बाबू, चंद्रशेखर। रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस जिस को नौकरी पर रखा है हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। गिलासनाथ, अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सुने माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती, ये याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है चौरंगी लाल तो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम गया और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपके होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है। उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया। अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो ले जाओ। यस झांसी। झांसी रानी। ओके
हो सकता है तुम रानी हो, मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं। शट अप। पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाशनाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन इन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनाओ सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुँचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। भाइयों और बहनों, आपका ये चौरंगी लाल दो मुखिया जो अक्सर घर की चार दीवारी में बैठकर जनता के नाम डबल स्टेटमेंट जारी करता है, कौम के नाम बयान देता है, आज घर से बाहर निकलकर जनता को बुलाकर ये मीटिंग बुलाकर आपके बीच खड़ा है, क्यों? अगर आपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि प्रजातंत्र में जो कानून जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आज पुलिस उसी कानून को लाठी बनाकर जनता का सर तोड़ रही है। ये पुलिस अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, ये पुलिस उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती है, तो मैं पूछता हूँ कि ये जनता राज है या पुलिस राज है? अरे ये कैसे कौम के हमदर्द है, ये कैसे जनता के लीडर है? तालियां। मैं इन वर्दी वालों से कहता हूँ कि मैं अपनी प्यारी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। इन पुलिस वालों को चेतावनी देता हूँ जो गरीब जनता को डराने के लिए आ रही है कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कुतुब मीनार हिल सकता है मगर मैं नहीं हिल सकता। स्टॉप दिस मीटिंग। मेरी चलती हुई जबान को आज कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर चौरंगीलाल, सरकार की तरफ से तुम्हें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अरे इजाजत तुम दोगी भी कैसे? मेरे बेटे और इनके भाई को तुमने गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अब हमारे शहरी अधिकारों को अपने पैरों तले रौंदने चले आई हो। बकवास बंद करो। देखो भाइयों, इस जुल्म की देवी को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ ये मीटिंग फौरन बंद करो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस जगह को फौरन खाली कर दें, क्योंकि ये मीटिंग समाज द्रोहियों ने अशांति फैलाने के लिए बुलाई है। कृपया करके आप यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे गरीब भाइयों, बहकावे में आकर मत जाइए, बैठ जाइए। मिस्टर चौरंगीलाल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देती हूँ कि आप शराफत से माइक छोड़िए और नीचे उतर आइए। माइक छोड़ दूँ? कभी नहीं। जिस तरह करण ढाल लेकर पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के पेट से माइक लेकर पैदा हुआ था। मेरी लाश के साथ ही माइक जाएगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मोहन, अरेस्ट हिम। माइक नहीं छोड़ेगा, हम माइक को। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, पुलिस जुल्म। भाइयों, पुलिस के जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो। मैं पुलिस की आंखें खोलने के लिए अपने आप को जिंदा जला रहा हूँ। मेरे भाई महेंद्र, पेट्रोल का डिब्बा लाओ। क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाकर इस धरती को इसीलिए लाल किया था कि दिन दहाड़े स्वतंत्रता का कत्ल हो? ये पुलिस वाले इंसाफ को चींटी की तरह पैरों तले मचल रहे हैं। अरे देख देख क्या हो, ऐलान जंग करो, इंकलाब। पुलिस फायरिंग से चार बेगुनाहों की हत्या, प्रमुख उद्योगी कैलाशनाथ गिरफ्तार और सारी रियासत में हड़ताल, ये सब क्या है? हमारे पास बंदूकें हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा, प्रजा राज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे
बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते, इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवा मेरे पास नो, नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चरंगी लाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब ये कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का न्याय गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे। मैं आंसुओं को रोके, जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूरत बनकर खड़ी रही। ये भी मुझे याद है सर, सीना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस हंस कर कहा था कि हाँ, मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी। ये भी मुझे याद है सर, जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? सर, 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सुलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर, आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस सर। सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर, ट्राई टू रिमेंबर देम। मिस्टर मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी। हाँ, झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा। बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा। ऑल पॉलिटिक्स।
मिस्टर मोहन। यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूं। वो आग बिछाई लोगों ने, धर्म की देवी जलने लगी, कौन बुझाएगा इसको, ज्वाला जो दिल में पलने लगी, जो पत्नी भी अधिकारी बाबू, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारो, मैं आपके पैर पर, मैंने आपका इराज पुलिस स्टेशन में भी किसी को नहीं बताया, फिर और किसी के सामने क्यों उगलूंगा? तुमने अपने जीजा के साथ गद्दारी करके उसे मरवा दिया, उसकी लाश से कागजात छीन कर चौरंगी लाल के हाथों भेज दिए। कल तुम हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे इसकी क्या गारंटी है? नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह दुनिया में नहीं, ऊपर है, इसलिए हम तुम्हें नीचे फेंक रहे हैं। फेंक दो उसे। किसने मेरी बहन का यह हाल बना दिया? अरे विक्रम, अरे बेटा चौरंगी लाल जी, कैलाशनाथ तुम रो रहे हो, तुम्हारे जवान बेटे की लाश तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है और तुम अपना कर्तव्य निभाने के बजाय अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। अगर ये मेरे भाई की लाश होती तो अब तक उस सर्कल इंस्पेक्टर का सारा खानदान तबाह हो चुका होता। Thank you.
कौन हो तुम लोग? क्यों घुसे आ रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? क्यों सता रहा मेरे बच्चे को? सासी बेटी, वो कैलाशनाथ और महेंद्रनाथ हमारी बेटी ज्योति को उठा कर ले गए। चौरंगीलाल तो मुखिया जी, आप भी तो किसी जमाने में गुंडे और बदमाश रह चुके हैं, तो फिर आप भी। अब मैंने चोला बदल लिया है, अब मैं माचिस की तीली की तरह हूँ। जलाया, हालात के पेट्रोल में फेंका और खिसक गया, वरना हाथ जल जाने का खतरा है।
योर ऑनर, एक जिम्मेदार और बाइज्जत पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से इस्तीफा देकर बेरहमी से खून करने वाली ये खुदगर्ज झांसी रानी मुजरिम है, गुनहगार है, कातिला है। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। That's all, Your Honor. क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? भगवान को साक्षी मानकर, इंसाफ की देवी को साक्षी मानकर, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि महेंद्रनाथ का खून चाकू से मैं नहीं किया है। लेकिन अगर कानून की जबान में मुझे खूनी कहा जाता है तो वो जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को खूनी बना दिया वो खूनी से भी ज्यादा गुनहगार है, कातिल से बड़े मुजरम है। अगर आपके पास मेरे लिए फांसी की सजा है तो बेगुनाह इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाले गुंडागर्दी, दहशत और आतंक के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने वाले खतरनाक मुजरमों के लिए आपके पास कौन सी सजा है? पानी की तरह बहते हुए मजदूरों की पसीने से सीमेंट भिगोकर अपने लिए कॉन्क्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले, भूख से तड़पा तड़पा कर उन्हें खत्म करने वाले इस कैलाशनाथ को आप क्या सजा देंगे? अपने सर पर तीन शेरों के निशान लगी हुई टोपी पहनने वाली इस पुलिस ऑफिसर झांसी रानी को इन जालिम भेड़ियों ने अपनी दौलत और वसीले की ठोकरों से इतना कुचला कि मुझे मजबूर होकर पुलिस के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन वो काम जो एक पुलिस ऑफिसर ने कर सकी उसे एक मां ने कर दिखाया। यस योर ऑनर, जब एक मासूम कुंवारी लड़की को उन शैतानों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अगवा किया और उसके पाक दामन को अपने पाप के नाखूनों से नोचने जा रहे थे तो इस मां की कोख में आग लग गई, इसकी आत्मा से शोले निकले लगे और इस मां ने राक्षसों को सर्वनाश करने वाली मां का रूप धारण किया और उस शैतान का खून कर दिया। क्या सजा देंगी ऐसी मां को? कौन सी सजा सुनाएंगी ऐसी मां को? जज साहब, अगर जुर्म एक आवाज है तो सजा उसकी गूंज है, अगर कानून एक आवाज है तो इंसाफ उसकी गूंज है, अगर अदालत की आवाज मुझे कहती है कि तुम मुजरिम हो तो करोड़ों माओं की आवाज गूंजेगी कि इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, अदालत से चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगने वाली झांसी रानी की आवाज की गूंज में सिर्फ जज्बात है, इसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सबूत मेरे पास है। आप कौन है? योर ऑनर, आई एम एडवोकेट रवि कुमार। अगर इजाजत हो तो इन गुनहगारों के गुनाहों में इनका साथ देने वाले एक गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो आपको बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। कैलाशनाथ,
चौरंगी लाल दो मुखिया और विक्रम जैसे देशद्रोहियों को अगर कानून छोड़ देता है तो समाज तबाह और बर्बाद होकर रह जाए। इसलिए आईपीसी की दफा 326 के तहत अदालत इन तीन मुजरमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और सन्यासी राजा को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। अपनी रक्षा और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झांसी रानी ने जो भी कदम उठाया, अदालत उसे जुर्म न मानते हुए झांसी रानी को बाइज्जत बरी करती है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर की सख्त जरूरत है, इसलिए अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को इनका ओहदा बरकरार किए जाने के लिए पुरजोर सिफारिश करती है।